नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपना मध्यश। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कविता की यह पंक्तियां वीर शहीदों के स्मारक को देखकर साकार होती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही क्रांति स्मारक जहां स्वतंत्रता से जुड़े वीर सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री परमधाम अरिहंतपुरम निकट वलीदपुर स्थित क्रांति पार्क की। भारत में आज जहां आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं मेरठ स्थित अरिहंतपुरम वलीदपुर में श्री परमधाम ने क्रांति पार्क का ऐसा निर्माण किया है जहां पर क्रांतिकारियों की वीर गाथा का सजीव चित्रण दिखाई देता है। नेशनल हाईवे 58 पर दोराला के निकट श्री परमधाम में सबसे ऊंचे झंडे लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं इस क्रांति पार्क के माध्यम से देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को अभिलेखों के माध्यम से आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पार्क में जहां देश के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों के जीवन के गौरव गाथा को दर्शाया गया है, वहीं भारत का विशाल नक्शा भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहां जो सेल्यूलर जेल का मॉडल बनाकर क्रांतिकारियों को प्रताड़ना देने का दृश्य दिखाए गए हैं, उन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भारत में 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के महानायक वीर शहीद मंगल पांडे जी की फांसी का दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि आज ही की घटना है। शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद की अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ का सजीव चित्रण भी यहां किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर, सूर्य सेन, आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, अल्लूरी सीताराम राजू, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, सरदार भगत सिंह, झांसी की रानी आदि स्वतंत्रता सेनानियों की झांकियां भी वीर सेनानियों का सजीव चित्रण करती है।